बिजनौर में अब वन विभाग स्वच्छ हवा और पार्क में घूमने के लिए भी लोगों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। बिजनौर में घूमने के लिए मात्र एक वन विभाग का पार्क है, जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग महिलाएं व अन्य लोग सुबह को न केवल घूमने जाते हैं बल्कि प्राणायाम कर निरोगी रहने के लिए व्यायाम करते हैं और प्रदूषण भरी हवा से निजात पाते हैं। वन विभाग ने अचानक से पार्क में ताला लगा दिया और गेट पर नोटिस चस्पाकर पार्क में घूमने के लिए शुल्क देने को कहा। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने बताया, सुना है वन विभाग ने एक इकलौता जिले में पार्क है वन विभाग का, उस पर शुल्क लगा दिया है सीनियर सिटीजन के लिए, क्या कहना है? मेरा नाम मुनीश त्यागी, बिजनौर का रहने वाला हूँ। सुबह में अभी घूमने गया था, 70 साल उम्र मेरी है, मैं जने कब से घूमने जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले जाते। जिस दिन से बीजेपी की सरकार है ये कप्पन पे टैक्स लेते हैं। आज वन विभाग पे घूमने वालों की, इंदिरा पार्क में घूमने वालों से, सीनियर सिटीजनों से भी पैसे वसूलने के लिए इन्होंने पंपलेट लगाने का काम किया है और लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम किया है। और वे कह रहे हैं हम लोगों को खर्चा चाहिए यहाँ की सफाई के लिए। इन्होंने तमाम हरे बाग कटवाने का काम किया है मंडावर में, वहाँ के चेयरमैन को प्रेस बुलानी पड़ी इसलिए हरे हरे बाग कटवाने के लिए। मैं कमीशन इन्हें मिलता है, यहाँ चूंकि कमीशन नहीं मिल रहा है, इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 10 रुपए चार्ज लेने का काम ये लोग करेंगे। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये बेचने में लगे, इस तरह उगाई करने में लगे, ये जनता जाग चुकी है और अभी न 12 कोस तक दिखाई नहीं देंगे सारे के सारे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। साहब आपने जो है एक मात्र जो है अकलौता पार्क है, इसका आपने वसूली का कर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, क्या वजह? देखिए ये इकलौता पार्क है, इसमें वसूली नहीं है, ये टिकट है, टिकट व्यवस्था लगाई है। और हमारी इको विकास समिति एक गठित है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है और शासनादेश के क्रम में बनाई गई है। ये इंदिरा पार्क एक इकलौता पार्क है और बिजनौर के हार्ट में पार्क है और इससे अच्छी जगह जो है नहीं हो सकती। तो हमारा ये समिति का ये काम है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई और ये जो इको सिस्टम जो फैसिलिटीज़ है वो दे और लोगों को एक अच्छा वातावरण, वनीय वातावरण, जिनको एहसास हो कि भाई हम यहाँ सांस ले रहे हैं और अंदर शहर में जाकर सांस ले रहे, तो अंतर पता चले, डीप ब्रीथिंग से पता चले उन्हें। दूसरा, इसमें जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है और सब लोगों से अपील है कि वो इस इसके जो मेंटेनेंस के लिए और जो इसकी साफ सफाई के लिए, इसके अनुरक्षण के लिए कि जितना हमें ज़रूरत है, मिनिमम हमने लगाया है 10 रुपये प्रति व्यक्ति और जो सीनियर सिटीजन है 200 रुपये मासिक, जो कि न्यूनतम है एकदम, और 300 रुपया जो सीनियर सिटीजन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए टिकटिंग व्यवस्था की है। हमारी समिति का उद्देश्य है कि इस पार्क को सेल्फ सस्टेन बनाना, जिससे इसमें जो है घास कटाई, लॉन कटाई एकदम अलग आकर्षक दिखाई दे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो खुद सीनियर सिटीजन हैं, अपने बच्चों का आश्रित हैं और ऐसे में हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए पहले आपको फिर बता दें, टैक्स नहीं है, ये टिकट व्यवस्था है, टैक्स एक अलग चीज़ है। और ये सीनियर सिटीजन की जो देखते हुए ही 200 रुपया पर मंथ किया गया है, जो कि न्यूनतम है एकदम। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ पहले विचार विमर्श कर लिया गया था सभी से ही, क्योंकि सबको हम मई से लगातार बताते जा रहे हैं कि भी अब हम इस पर टिकटिंग व्यवस्था करेंगे और लगभग सब लोग सहमत भी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि विभाग में बजट की कमी नहीं है। विभाग में देखिए किसी भी पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता, पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता, बजट है वो अलग अलग उसके लिए मदों के लिए है, एक मद का दूसरे मद में हम यूज नहीं कर सकते। मेंटेनेंस का पैसा तो आता होगा? मेंटेनेंस के लिए नहीं आता, मेंटेनेंस के लिए अभी जो पैसा आया था वो हमने इसको पूरा मेंटेन कर दिया, क्योंकि इसका अनुरक्षण है, अब एक बार जो है इसका मेंटेनेंस करने के बाद उसको सतत रखने के लिए फंड की जरूरत है। तो वो आने वाले लोग उसको वसूला जाएगा? वसूला नहीं, उसको टिकटिंग है, उसको टिकट मिलेगा। हमारी कमेटी का, हमारी जो समिति है सलेमपुर विकास समिति, उसका अकाउंट नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है। जो भी रोज की आएगा पैसा, लोग जो है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भी कर सकते हैं समिति के, और जो कैश पैसा आएगा वो अगले दिन जो है स्टेट बैंक में जमा होगा। विभाग के आला अधिकारी को जानकारी होगी इसकी? सबको जानकारी है। नहीं, विकास समिति जो है, विकास समिति का गठन जो हुआ है वो पूरी प्रॉपर बैठक के साथ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जितने भी घूमने आते हैं सबको इसकी जानकारी है, सबको हम नहीं, मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ, अधिकारी को संज्ञान में, डीएफओ साहब कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं। अब इस बात पर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, पार्किंग क्या व्यवस्था रहेगी? पार्किंग की यहाँ एक्चुअली पिछले एक सप्ताह में 3 मोटरसाइकिल जो नॉन पार्किंग एरिया में थी चोरी हो गई,
तो फिर हम लोगों से अपील है कि वो पार्किंग में खड़ी करें, सुरक्षित करें रखें, जिससे हमें और पुलिस प्रशासन को कोई समस्या ना हो और मोटर बाइक वालों को भी कोई समस्या ना हो। पार्किंग का क्या शुल्क लिया जाएगा? पार्किंग का शुल्क 5 रुपया मोटरसाइकिल है और कार का अलग है, 10 रुपया है।